हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, देखिए काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सितंबर का महीना समाप्त हो गया है और विकलांग पेंशन जुलाई अगस्त सितंबर की अभी तक नहीं आई है यूपी के अंदर। देखिए, वादे किए गए थे, अखबार में भी न्यूज आई थी कि सितंबर माह में दिव्यांग की पेंशन आ जाएगी, पर यह पेंशन आएगी NPCI लिंक होने के बाद। जिसके अकाउंट में NPCI और DPT लिंक होगा तभी यह पेंशन आनी थी। आप ये वाला स्क्रीन शॉट देखिए, इस स्क्रीन शॉट में भी दिखाया गया था कि आप अपने अकाउंट से NPCI लिंक करा लीजिए, क्योंकि पेमेंट जो भेजी जाएगी आधार द्वारा भेजी जाएगी, ना ही अकाउंट के द्वारा। और जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन अभी तक नहीं आई है। देखिए, अब ये डेट बताई जा रही है कि 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है, पर अभी तक कोई PFMS पोर्टल पर भी सूचना नहीं है, ना PFMS पोर्टल पर भी कोई किसी की पेंशन चढ़ी नहीं है और न ही PFMS पोर्टल पर शो हो रही है। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन लगभग सभी की आ चुकी है और कमेंट आ रहे हैं कि दिव्यांग पेंशन कब तक आएगी। देखिए, बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक सभी दिव्यांग पेंशन खाते में भेज दी जाएगी, पर इसकी अभी तक कोई फिक्स डेट जारी नहीं हुई है। एक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदाजा लगाया जा रहा है 15 अक्टूबर तक दिव्यांग पेंशन भेज दी जाएगी, जबकि पेंशन जो आनी थी वो सितंबर माह में आनी थी। इतनी लेट क्यों हो चुका है, इसका रीजन का पता नहीं चल पा रहा है। काफी दिन हो चुके हैं, जो पेंशन लाभार्थी थे सभी ने अपने अकाउंट NPCI में जोड़ दिए हैं, NPCI में मैपिंग करा ली है, DPT लिंक करा ली है, फिर भी अभी तक कोई पेंशन नहीं आई है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा इंतजार करें, पेंशन जरूरी भेजी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पेंशन भेजी नहीं जाएगी, पेंशन 100% भेजी जाएगी, पर अभी कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है। 1000 रुपये महीने के हिसाब से 3000 रुपये किस्त यूपी के अंदर दिव्यांगों की भेजी जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।